गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक जो है एकदम से डिफरेंट है, कोई रिव्यू, कोई ब्यूटी, कोई डीआईवाई, कुछ भी नहीं है। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टॉप नेल बाइटिंग। इसके बारे में मैंने बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स पढ़े थे, सो मैंने सोचा एक डिटेल में वीडियो तो बनाना बनता ही है ना। सो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, तो कुछ रीजंस हमें जानने चाहिए कि हम नेल बाइटिंग करते क्यों हैं, इसे क्यों स्टॉप करना चाहिए और इसे लास्ट में कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस के नीचे पढ़ा है, मुझे नेल बाइटिंग बहुत हैबिट है, मैं डीआईवी रेमेडीज ट्राई करती हूँ, वर्क करती हैं, लेकिन मैं नेल बाइट करती हूँ और फिर से वो गिर जाती हैं, मतलब नेल्स टूट जाते हैं। तो गाइज, नेल बाइटिंग मोस्टली बहुत कॉमन 20-40% तो इशू है, चाहे वो टीन्स, एडल्ट्स, कुछ भी बच्चे बाइटिंग करते हैं। नेल बाइटिंग इट्स नॉट अ बिग इशू, मतलब इशू बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ ऐसा भी नहीं कि आप अलग कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहा, मोस्टली सभी करते हैं। सबसे पहले तो इसका रीज़न जानना ज़रूरी है कि आप नेल बाइटिंग करते क्यों हो, लाइक किस टाइम स्टार्ट करते हो। जैसे कि आप नॉर्मल बैठे हो तो या आपको एकदम से स्ट्रेस हुआ, एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप नर्वस हो रहे हो। मोस्टली मैंने जो केसेस में देखा है, जब हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं ना, या तो अपनी लेग्स होती है ना बहुत ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, या अपनी नेल बाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं। या आपको बेटर पता होगा कि क्या रीज़न है, किस मतलब किस तरह का मूड होता है जब आप अपनी नेल बाइटिंग शुरू करते हो। सबसे पहले तो वो चीज़ नोटिस करिए। सेकंड थिंग, नेल बाइटिंग रोकनी क्यों ज़रूरी है, क्या रीजंस है हमें नेल बाइटिंग स्टॉप क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप कुछ भी, अगर जैसे कि हम लड़कियों को लॉन्ग नेल्स का बहुत शौक होता है, नेल्स रखती हैं, रेमेडीज ट्राई करती हैं, तरह तरह की चीज़ें अपनाती हैं, लेकिन बाइटिंग करते हैं नेल्स टूट जाते हैं, फिर से हम उन्हें बाइट कर देते हैं और पूरी की पूरी मेहनत हो जाती है हमारी वेस्ट। सेकेंड थिंग, नेल बाइट करना इज़ नॉट एट ऑल अ हेल्दी हैबिट। हमारे हाथ में बहुत तरह तरह के जर्म्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों को हमने छुआ होता है, तो जब हम नेल बाइटिंग करते हैं वो सब चीज़ें अपने हम मुंह के अंदर लेते हैं, जो बहुत सारी इन्फेक्शंस, बहुत सारे डिसीजेज का रीज़न भी बनते हैं, फंगल इन्फेक्शन। और थर्ड रीज़न, जब आप नेल बाइटिंग करते हो, आप नेल कभी भी एक प्रॉपर शेप में नहीं आते हैं, आधे टेढ़े अलग अलग शेप्स में आते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें नेल बाइटिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, नॉट एट ऑल अ गुड हैबिट। अभी मेनली बात आती है कि हम इसे स्टॉप कैसे करें, जो कि सबसे बड़ा इशू है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, अपना रीज़न जानिए कि जब आपको क्या प्रॉब्लम होती है, आपका मूड कैसा होता है, क्या ऐसा होता है कि आप बाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हो। जब वो चीज़ होती है, जब पहले वो पता लग जाएगी, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं नर्वस हो रही हूँ तो मैं नेल बाइटिंग स्टार्ट कर देती हूँ, अगर मैंने इस चीज़ को ध्यान दिया तो नेक्स्ट टाइम जब आपका मेरा मूड, लाइक जब आप नर्वस हो गए, नेल बाइटिंग नहीं करनी, आपको लग रहा है कि अभी मैं नर्वस हो रही हूँ, तो अपना माइंड फटाफट से डाइवर्ट कर दीजिए, अपना माइंड फटाफट से कहीं और लगा दीजिए, बुक पढ़ लीजिए, फ़ोन यूज़ कर लीजिए, इधर उधर दिखना शुरू कर दीजिए, बातें करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि अपने मूड को चेंज करना स्टार्ट कर दीजिए, म्यूजिक सुनिए, मूवीज़ देखिए, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, एनीथिंग, कीप योर हैंड्स एंड माउथ बिजी। अपने मुंह को, अपने हैंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखो। अभी बोलना है कि मुंह को बिजी कैसे रख सकते हैं, खाना खा सकते हो, बातें कर सकते हो, गुनगुना सकते हो, हैंड्स को बिजी रखो, कुछ काम करो, रीडिंग्स करो, अपने हैंड में कुछ होल्ड करके रख लो, जिससे कि आपके हैंड्स फ्री ना हो और आप उन्हें अपने बार बार अपने, मतलब बाइटिंग की तरफ आपका ध्यान ही ना जाए, आप इतना बिजी रखोगे अपने हैंड्स को, आपके हैंड्स फ्री होते हैं, सो देन यू स्टार्ट च्यूइंग देम, इसको बंद करो। थर्ड थिंग, ट्राई टू वियर ग्लव्स इफ़ पॉसिबल हो तो आप ग्लव्स वेयर कर सकते हो। ऑल टाइम तो मैं मानती हूँ कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, आप लेकिन कोशिश करो ग्लव्स वेयर कर लो, अपने हैंड्स को कवर कर लो, जब वो ओपन नहीं होंगे तो आप बाइट क्या करोगे, राइट ना। नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मैं पर्सनली मानती हूँ, अपने नेल्स को किसी बैड टेस्ट, किसी बैड स्मेल से कोट कर दो। मार्केट में कुछ लोकल ब्रांड्स होते हैं ना, जो हम मार्केट्स में नेल पेंट्स लेते हैं, सम की नेल पेंट्स की स्मेल बहुत गंदी होती है, टेस्ट बुरा आता है। आप करेले का जूस ले सकते हो, कोई ऑयल ले सकते हो, कोई नेल पेंट लेके उन्हें काफ़ी कोट कर दो, उनके अपने नेल्स के ऊपर लगा लो। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर स्मेल उसकी अच्छी नहीं आएगी ना, आप कभी भी उसे अपने मुंह में नहीं डालोगे अपनी फिंगर्स को। सेकंड थिंग, अगर आपने गलती से डाल भी ली, अगर उसका टेस्ट बुरा होगा ना, तो आप उसी टाइम अपने मुंह से उस फिंगर को बाहर निकाल दोगे, कोशिश भी नहीं करोगे नेल बाइटिंग करने की। नेक्स्ट थिंग, अपने हैंड नेल्स को शॉर्ट कट करो,
इस बाइट को स्टॉप करने के लिए. नेल्स को लंबा मत रखो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट कट करो, ताकि अगर आप उन्हें भी बाइट करने की कोशिश करो ना, वो आपको हर्ट करेगा. जब वो आपको हर्ट करेगा तो नेक्स्ट थिंग टाइम आप माइंड में रखोगे कि नहीं, ये नहीं करना है, इट विल बी पेनफुल. सो कीप देम शॉर्ट. नेक्स्ट, टेक अ प्रॉपर ग्रूमिंग मैनिक्योर. अच्छी सी ग्रूमिंग लीजिए, क्यूटिकल्स रिमूव कीजिए, नेल्स को प्रॉपर शेप में रखिए, उन्हें प्रॉपर क्लीन रखिए. एंड एट लास्ट गाइज, एकदम से पूरे 10 की 10 फिंगर्स की बाइटिंग रोकने की कोशिश मत करो. अपने टारगेट को छोटा रख लो. जैसे कि सोचो कि पहले 2 फिंगर्स और 1 हैंड सोच लो, लेफ्ट हैंड सोचा माने मैंने सोच लिया कि अब मुझे इस हैंड्स की बाइटिंग नहीं करनी है, तो पूरी कोशिश करो एक हैंड को बिजी रखो, ग्लव्स वेयर कर लो, बैड टेस्ट बैड स्मेल कुछ भी करो, मतलब अपना टारगेट छोटा रखो. जब आप स्टार्टिंग करोगे तो धीरे धीरे उसे बढ़ा के पूरी तरह से स्टॉप कर सकते हो. गाइज मैं ऐसा नहीं बोलूँगी रातों रात आप नेल बाइटिंग छोड़ सकते हो, 2 दिन में छोड़ सकते हो, 3 दिन में छोड़ सकते हो. ये डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर कि आप किस तरह उस चीज़ को कंट्रोल करते हो. मैं टिप्स दे रही हूँ, आप फॉलो करोगे, लेकिन तब फॉलो कर सकते हो जब आपने प्रिपेयर कर लिया है, खुद को रेडी कर लिया है कि नो, आई एम गोना टू स्टॉप दिस नाउ, मुझे इसे ख़त्म करना है. जब आपने ठान लिया तो कौन रोक सकता है आपको, फिर मेरी एक दो टिप्स ही काम आ जाएंगी आपके. सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस वीडियो को देखने के बाद किस किस ने डिसाइड किया कि वो अब डेफिनेटली नेल बाइटिंग स्टॉप कर देंगे. दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, बाय बाय.